पर संभल के चंदोसी में दीपावली पर्व को लेकर अग्निशमन विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों ने आतिशबाजी दुकानदारों का निरीक्षण करते हुए लाइसेंसी दुकानदारों को ही आतिशबाजी बेचने की अनुमति दी है। अवैध रूप से आतिशबाजी की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। दीपावली पर्व को लेकर अग्निशमन विभाग के CFO प्रताप सिंह एवं चंदोसी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विद्युत गोयल ने दल बल के साथ रामबाग रोड पर आतिशबाजी दुकानदारों के लाइसेंस व पटाखों के गोदाम में सुरक्षा के उपकरण चेक किए व अग्निशमन उपकरण तथा स्टॉक रजिस्टर चेक करते हुए दीपावली पर और सतर्क रहने व आग बुझाने के सभी उपकरण रखने व घनी आबादी से दूर आतिशबाजी बेचने की हिदायत दी। जो है आगे जो है दिवाली का त्यौहार आ रहा है, उसके मद्देनजर बाजारों में काफ़ी भीड़ है और दीपावली पर लोग अधिकतर जो आतिशबाजी का प्रयोग करते हैं, उसी के संबंध में संपूर्ण जनपद में आतिशबाजी के जो विक्रेता हैं उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। तो आज उसी कड़ी में मेरे द्वारा और इंस्पेक्टर चंदोसी द्वारा जो चंदोसी में गोदाम है इनका निरीक्षण किया गया है, जिससे कि ये जो है इनमें सावधानियाँ बरतें, ज़्यादा अधिक मात्रा में सामान न भरें और इनके अग्निशमन के उपकरण हैं उनको चेक किया गया है और गोदाम में अधिक मात्रा में सामान ना रखने के लिए और गोदाम को साफ रखने के लिए सब इनको निर्देश दिए गए और इनके जो लाइसेंस वगैरह सब चेक किए। सर कहीं कोई कमी पाई गई? कमी कोई नहीं पाएगी, थोड़ी बहुत कमी है तो उनको निर्देश दिया गया, उनको उस कमी को शीघ्र पूरा कराकर 1-2 घंटे के अंदर ये उसका अनुपालन सुनिश्चित करें।